हेलो गाइस, वेलकम टू माय SY एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल। गाइस, आज हम प्रेजेंट हैं आप लोगों के लिए लेकर के समावेशी शिक्षा से रिलेटेड MCQ लेकर के। तो हम 75 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और समय के अकॉर्डिंग, समय को देखते हुए क्वेश्चन को मैनेज करना चाहते हैं। पूरा इस वीडियो को यदि पूरा आपने देख लिया तो आपका 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा समावेशी शिक्षा से। जैसा कि हमारा सिलेबस चेंज हो गया है और न्यू सिलेबस बन के आए हुए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा समावेशी शिक्षा को महत्व दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, जो कि पहले UPTET में इतना खास करके नहीं ध्यान दिया जाता था। देखिए, लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो डिक्सलेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है, अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो ADHD कहते हैं। नेक्स्ट गाइस, हमारे क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं, तो वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। उन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस, हमारे क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं। तो ये हमारे बहुत ही गाइज मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, तो देखेंगे गाइज। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और गूंगा बहरा और अंधा, सृजनशील बालक, संवेगात्मक, दृष्टि से पिछड़े बालक आते हैं इसमें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही जो जितने प्रॉब्लम युक्त होते हैं, इन्हीं लोगों को समावेशी एजुकेशन में रखा जाता है। और नोट में देखेंगे कि विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणियों में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, मोस्ट टॉपिक बन रही है हमारी। तो यहाँ पर है, विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई एजुकेशन प्रणाली जो सिस्टम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन बन रहे हैं गाइज यहाँ पे कि पिछड़ा बालक किसे कहते हैं, तो जिनके IQ लेवल होते हैं 90 से कम, उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे, सामान्य बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है, तो सामान्य बुद्धि के बालक के IQ लेवल होते हैं 90 से 110। नेक्स्ट देखेंगे, सृजनशील बालक किसे कहते हैं, तो सृजनशील बालक के वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की, खोज करने की क्षमता को रखते हैं, वही सृजनशील बालक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है, तो 120 होता है। बाधित बालक किसे कहते हैं, तो गाइज यहाँ पे हो जाएंगे कि बाधित जो है यहाँ पे, सॉरी गाइज, यहाँ पे वंचित जिसे कहेंगे बालक किसे कहते हैं, तो वंचित बालक जो होते हैं वे बालक होते हैं जिन्होंने शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ, शिक्षा से वंचित रह गए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। तो आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, बाई के बच्चे, मजदूर के बच्चे, ऐसे में आते हैं वंचित एजुकेशन से, वंचित बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे गाइस यहाँ पे कि बाल अपराधी बालक कौन से होते हैं, तो बाल अपराधी बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, बाल अपराधियों के प्रकार बताइए, तो बाल अपराधियों के प्रकार हो जाएंगे समावेशी शिक्षा के बेस पर कि चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक और स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड
में छेड़छाड़ करने वाले बालक अपराधी बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बाल अपराध करने के कारण क्या क्या हैं। अनुवांशिकता फर्स्ट पॉइंट बनती है कि उनकी हेरिडिटी का असर रहता है बच्चे के ऊपर। जैसे मान लीजिए बच्चा एक ने कोई गलती कर दिया तो सबसे पहले उसके माता पिता इसकी परवरिश ऐसी होगी, इसलिए इसने ऐसा किया, तो इसलिए सबसे मेन फैक्ट उसके ऊपर हेरिडिटी का पड़ता है। और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, और नेक्स्ट है कि शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। नेक्स्ट है घर का वातावरण अशांत होने के कारण भी अपराधी बन सकते हैं। और एक कुसंगति के कारण, गलत संगति, गलत मित्रों के साथ रहने की वजह से अपराधी बालक बन सकते हैं। दादा दादी का अधिक लाड प्यार के कारण भी बच्चे अपराधी बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्तरहीन मनोरंजन, मतलब बच्चों को ज़्यादा अधिक से अधिक मनोरंजन के दुनिया में रखना, वो भी बच्चे अपराधी बन जाते हैं। माता पिता का गरीब होना, और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं पैसे की कमी होने के कारण बच्चे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए चोरी करते हैं, छिनैती करते हैं, ऐसे भी बच्चे अपराधी बन जाते हैं। नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, अगर परिवार में बच्चे को किसी गलती की वजह से डांटा जाए तो परिवार में कोई एक सदस्य बच्चे की पक्षपात करे तो भी बच्चा अपराधी आगे चल के बन सकता है। नेक्स्ट है कि माता पिता का तलाक आदि, अगर बीच में माता पिता के अनबन हो जाने के कारण दोनों में तलाक हो जाते हैं और यदि उस समय बच्चे होते हैं तो उनका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, बच्चे अपराधी बन जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या होते हैं, तो मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्री विधि, वैधानिक विधि। हमारे नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन बन रहे हैं, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं। वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिनके कारण वे समस्या ग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, कोई प्रॉब्लम की वजह से स्कूल से भाग जाना, किसी कारण की वजह से कक्षा में अधिक बातें बोलना, वो उनकी आदत होने का कारण, अधिक क्रियाशीलता होना, और गृह कार्य करके न लाना, और कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, ये भी उनकी समस्या होती है। गाइस फुल वीडियो देखिए, ये समावेशी शिक्षा से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट पॉइंट बन रहे हैं। नेक्स्ट है समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है, तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बैठाएं और सबसे आगे बैठाएं। नेक्स्ट है पॉइंट बन रहा है कि शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। थर्ड पॉइंट बन रही है कि शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जा कर के उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए और समस्या का समाधान करने का अधिकार अध्यापक के ऊपर होता है। गाइस 18वां प्रश्न बन रहा है कि गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के चार तत्व कौन से बताए, तो इसने बताया कि लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता, केंद्रीय विमुख, ये उसने चार तत्व बताया। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए, तो इन्होंने 5 तत्व दिए, मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक, विचारों का सहचर्य, लोचशील और विविध। गाइस नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि सृजनता के मुख्य तत्व कौन से हैं, मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तरण करने की क्षमता, विभिन्नता। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि सृजनशील बालकों की विशेषता क्या होती है,
तो सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालक में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। ये इनके विशेषता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन गाइस बन रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो सभी लोग को पता होगा गाइस, अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन कि बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो पहली पाठशाला एज गाइस सभी लोग को पता होगा, घर एवं परिवार। दूसरी पाठशाला बच्चे की खेल का मैदान। तीसरी पाठशाला बच्चे की स्कूल होता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में, जैसे कि आसपास में सहयोग, आपसी सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे कि बालक में नकारात्मक जो है सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो किशोरा अवस्था में बालक के अंदर नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारे 25 क्वेश्चन बन रहे हैं कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। नेक्स्ट हमारे गाइस क्वेश्चन बन रहे हैं 27 के कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे कि शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास गिल किंडरगार्टन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहे हैं कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होते हैं? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो गाइस यहाँ से हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मेरी सेकेंड पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा और मैं सेकेंड पार्ट इसके बाद ज़रूर बनाऊँगी। और ये समावेशी शिक्षा से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट